सर मतलब जब इन लोगों को शादी हुआ था ना, था तो लव मेरे जी, लेकिन उसका दादी सास का शुरू से जिद था। पहले बोले हम लोग को 4 लाख चाहिए, तो हम लोग बोले हम लोग को उतना हैसियत नहीं है 4 लाख देने का, तो बोले टेम्पो निकाल के दे, हम लोग बोले निकाल देंगे। फिर उसका लड़का जेल चले गया चोरी का इल्जाम में, ठीक है। तो मेरा अम्मी अब्बू गरीब है, पूरा जी जान लगा दी उसको छुड़ाने में, जितना हुआ किए, लेकिन जब से निकला निकलते साथ अपना बीवी से भी मिलने नहीं आया। आज उसको जब ये गई ना मिलने के लिए तो बहुत मारा इसको, मेरा अम्मी अब्बू को भी धमकी दिया। उसके बाद से अपना अम्मी अब्बू से दूर रहे, जब जरूरत पड़ गई यहीं से लेके जाता है, खिलाएंगे मेरा अब्बू पिलाएंगे मेरा अब्बू। अभी 2-1 महीना हो रहा है, यहीं था प्रेगनेंट थी, खूब मारा प्रेग्नेंट। 1 महीने का प्रेग्नेंट है अभी, 7 महीने का। अभी तो 21 तारीख को उसका 8वां लगेगा। क्या नाम है उसके हस्बैंड का? उसका हस्बैंड का अरबाज खान, उसका पापा का अमजेद खान, उसका दादी का आजाद बेगम, और उसका माँ का रूबी खान। इनका इनका क्या नाम है? इनका नाम सालिया परवीन। कितना उम्र हो रहा है इनका? 22 साल। शादी कब हुआ इनका? शादी अभी 1.5 साल, मतलब 2 साल होने वाला है, ये दिसंबर आ गए तो 2 साल होगा। कहाँ रहता है लड़का? लड़का रहता है ईदगाह मैदान में। और ये लड़की कहाँ रहती है? लड़की हम लोग बल्दे बस्ती का है। तो आज आज क्या हुआ मतलब? आज तो हम भी नहीं थे सर, क्योंकि कुछ दिन अभी 2 दिन पहले इसका गोद भरा था। हम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होने का कारण लड़की को बुला के हम लोग ना थोड़ा सा रसम के लिए गोद भराई कर दिए थे। तो ये जैसे ही गई तो वही मतलब इसका ससुराल वाला मेरे घर में आके पहचान करके गया कि अपना बेटी को बुला के घर में खिला रहा है पिला रहा है, बोल करके बोला। खूब लड़ाई की, मेरे पप्पू को गाली बका, मेरे अब्बू को गाली बका। तो मेरा अब्बू बोले कि ठीक है तुम अपना बहू को अपना घर ले जा, तो ले गया। अब ले जाके लोगों का घर में क्या हो हम लोगों को नहीं पता, उतना बातचीत नहीं उनके। उसके बाद उसका उसका दादा लड़का उसका दादी है ना, वो बोली ठीक है हम अपना पोता को ले जा रहे और तुम अपना बेटी को ले जा। तो मेरा अब्बू बोले तुम काहे आएगी, तुम अपना ससुराल में रहो, हम लोगों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा क्या होगा। अब उसी दिन से लोग घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, मंगल का दिन नहीं गुरुवार का दिन इसका गोद भराया था, तो आज तो शनिवार ही है। आज अच्छा ये मारा जो है वो लड़का अपना घर में मारा है कि लड़की अपना घर में? क्या चीज से मारा है ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों को क्या सूचना दिया है ये लोग? हम लोगों को बोला है कि लड़की गिर गई, लेकिन घर का माहौल देख के लग रहा कि मारा। अभी अभी कहाँ पे ये लड़का कहाँ है? लड़का अपना लड़का का माँ बाप लड़का को छुपा के रखा है। और क्या बता, हम लोग गए तो बोला कि लड़का को हम बुला देंगे, आप लोग जाइए, हम लोग अपना बेटी को लेके हॉस्पिटल भागे। इसका शरीर में कहीं चोट उट लगने का निशान है क्या? गला दबाने का निशान है। देखिए और उसका छोटा जो है ना उसका यहाँ का बाल उखड़ गया, तो मेरे ख्याल से उसको मारा। घर का शीशा का कवर टूटा का मांग करता था। हाँ दहेज का मांग करता था। 2 लाख दो नहीं तो टेम्पो निकाल। हम उनकी बड़ी बहन। क्या नाम हुआ आपका? फातिमा परवीन।